वहीं गुना जिले में रविवार दोपहर शासकीय एविएशन एकेडमी का टू सीटर एयरक्राफ्ट 152 क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 1 बजे दो पायलट टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़े थे, तभी करीब 40 मिनट के बाद एयरक्राफ्ट एयरशिप एरिया में प्लेन क्रैश हो गया। दरअसल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा इंजन फेल होने से हुआ है। वहीं इस हादसे में कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हो गए। आपको बता दें कि यह दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, साथ ही दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले हैं। जिस इंस्टीट्यूट का यह एयरक्राफ्ट है उसी ने ही दोनों पायलट हायर किए थे। इसके तहत ही केंट थाने के TI दिलीप राजौरिया ने बताया कि दोनों घायल पायलटों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। अभी 12:30 बजे एक गुना एयरपोर्ट से ही एक उड़ान भरी थी, एक ट्रेनी विमान है और इसमें दो पायलट इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे थे, तो 40 मिनट उड़ान के बाद इन्हें लैंड करना था, जो कि लैंड इंजन फेलवर अभी बता रहे हैं प्रथम दृष्टया, तो हवाई पट्टी पे ना लैंड होते हुए ये परिसर में ही पेड़ और झाड़ियों में स्प्लिट होकर क्रैश हो गया है। इसमें दो पायलट थे, दोनों को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया है, जो कि खतरे से बाहर बताया गया है।